Guys, welcome back to my channel. It is DP who loves GTA. So आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपना GTA 5 का personal penthouse और अपने garage जिसमें 10 गाड़ियाँ रखी हैं. तो चलिए चलते हैं अपनी इस प्यारी सी येलो रंग की Lamborghini Urus में. बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, सिर्फ 2.5 किलोमीटर बाकी हैं. चलिए देखते हैं. वही रेगुलर लॉस सैंटोस का ट्रैफिक और वही अपने स्पोर्ट कार. आज मैं आपको अपने गैराज में जितने भी स्पोर्ट्स कार्स हैं और SUVs हैं स्पेशली वो दिखाता हूँ. मेरे गैराज में मैंने जो स्पेशलिटी ऑफ द कार रखी है वो है SUVs ही है मेनली, बट उसके साथ साथ मैंने कई डिफरेंट स्पोर्ट्स कार रखी है जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है. और बट लॉस सैंटोस के बाहर जैसे ही आप निकलोगे या फिर ट्रेवल पे लिप्स के कंट्री जाओगे या फिर कहीं पर भी, तो वहाँ पे आपकी जितने भी स्पोर्ट्स कार्स हैं उनमें बहुत सारा स्क्रैच लग जाएंगे बिकॉज रोड्स की कंडीशन वहाँ पे ठीक नहीं है. तो इसी रीज़न से मैं यहाँ पे SUV ज़्यादा रखता हूँ. बस जितने भी ऑनलाइन में मिशन्स करने होते हैं उसमें हमें आउटसाइड जाना होता है लॉस एंजेलिस के, वहाँ पे ये सारे स्पोर्ट्स का ढंग से नहीं चल पाते. सो गाइस, लेट मी गिव यू एन ओवरलुक ऑफ माय प्रॉपर्टी. दिस इज द अपार्टमेंट व्हिच इन व्हिच आई लिव, एलिप्स टावर. एंड मेरा कोई तो 34th तो ओपे कर रहा है. तो चलिए पहले अपनी गाड़ी का ओपन लोग पार्क कर देते हैं और मैं आपको अपना गैराज दिखा देता हूँ. ये गैराज का गेट खुलते हुए हम पार्क करते हुए प्यारी सी DRL के साथ. सो गाइस, ये है मेरा गैराज. हर सेगमेंट की गाड़ी को अलग अलग मैंने पार्क किया हुआ है. तो चलिए सबसे मिनी सेगमेंट बाइक से शुरू करते हैं. सो ये है मेरी सुजुकी हायाबुसा. लॉस सैंटोस में परचेज की गई इसलिए लॉस सैंटोस का नंबर प्लेट है. ये बहुत ही अच्छी भागती है, ऑल ब्लैक रंग में लिया मैंने इसको. कार्बन एग्जॉस्ट, ट्विन कार्बन एग्जॉस्ट फॉर रेड. उसके बाद ये है हमारी VSTR जिसको आप कह सकते हैं मर्सिडीज AMG. ये भी बहुत अच्छी है, सारे के सारे कार्बन होल्ड एंड कार्बन रूफ है विद रूफ विद स्पॉइलर, ब्लैक नंबर प्लेट्स एंड NGS क्रोम अलॉयज एंड वही सारे नॉर्मल फीचर्स. उसके बाद हमारे गैराज में जो सबसे आई कैन से बेस्ट कस्टम कार है वो यही है, इसका नाम है मॉर्गन. यू कैन से इट इज़ एन ऑडी. सो इसमें भी सेम है बट इसके जो कलर टोन्स थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे अच्छे कलर टोन मिलते हैं. दिस इज द बेस्ट वन आई कुड गेट ओवर हियर. सो बाकी सब नॉर्मल है, ये बहुत भागती है, सब कुछ बड़े हैं इस गाड़ी में. लाइक फॉर एन ओवरऑल कार एज अ स्पोर्ट्स कार इट्स अ बेटर कार. अब आते हैं अपनी गैराज की सबसे फास्ट कार में, ये है F1 कार. इसकी मैक्सिमम स्पीड अराउंड 270 km/h है. बहुत तेज़ भागती है, बहुत काम आती है, कैन गो एनीवेयर एनी टेरेन एंड एनी सीजन. एंड देन कम्स द मोस्ट एक्सपेंसिव कार ऑफ माई गैराज, द बुगाटी. दिस इज द फास्टेस्ट आई कैन से, लाइक ये सबसे बेस्ट कार है ऑफ माई गैराज. देर इज नो बीट ऑफ एनी अदर कार आई कुड ड्राइव इन दिस गैराज अदर देन दिस. लाइक आई फेनोमिनली लाइक दिस कार, एवरी थिंग इज परफेक्ट इन दिस. नाउ कमिंग टू माई SUV सेगमेंट्स, आई हैव दिस 4x4 Ford truck. This runs very well on the off-road terrains. It's hard to drive on the like local roads because its turning radius is quite low.
Now coming to my all-in-one car, which I drive preferably, this BMW X5. If you haven't checked out the review of this car, just go and click the end video. This is one of the most phenomenally awesome car I drive on my daily basis in this game. So yeah, this is the best car after the Bugatti. Now coming to the third SUV is this Lamborghini Urus. How come no one would be knowing about the Lamborghini Urus and alternate change of the SUV of the Lamborghini? Moving forward to the armored section, this is my Range Rover. It is completely armored. No one can shoot me from outside easily, unless and until my glasses are broken, hard to be damaged. And it is in army color, which is green, and heavy alloys, and one of the best armored cars I have in the second segment. And the best armor car is here. It protects me from anything, any damage, anything. Literally, it can like bear 2 grenade explosions at one time. So yeah, this was my garage, so I should take you directly to my property in the penthouse. So let's take this elevator to my property. So yeah guys, this is my main entrance of the penthouse. So this is how the opening looks like. A door, lights, and some sort of switches, some decoratives, a lamp, paintings, and this is my drawing room. Here is the kitchen, dining table with some decoratives on the shelves. This is my chilling area where I bring my friends and just chill and else. This is a bonfire just for a display. Here's my television. Here's a great view of Los Santos big mansions. Here's a telescope to look from, and other decoratives. Now coming over here, we have a gate where I plan my all the office works and continue some playing heist and else. And going forward, we have here a staircase that takes me directly to the master bedroom. Going up here, we see many paintings, a door. Here's my bed. Here's a balcony, and here's a heater or something. Decoratives. Here's my changing room and a big painting. Now moving to this door, here's my bathroom, a shower. And that is it. So this was my property over here. It is the second most expensive penthouse in the whole game. So if you guys want me to show you the most expensive penthouse, just comment down below. I will be doing that video soon. So thanks for watching. Must like, comment and subscribe, and do comment what do you want me, like main kya sudhar kar sakta hu apne video mein. So yeah, peace out.